अरे और क्या, मारो पकड़ पकड़ के मारो, जबड़ो तोड़ दो सालों। अरे मार रहा हूँ, तो है आज क्लू मैसेज बैक अगेन विथ वीडियो। और मेरे भाई आज सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ आप सभी लोगों को मैं कुछ है बताना नहीं क्या? चाहूँगा। वैसे आप सभी लोगों को पता है यार क्या कुछ चल है क्या रहा है, बताओ यार। लाइक कोरोना का क्या सीन चल रहा है हमारे कंट्री में, या फिर जिस भी कंट्री से आप कंट्री अगर का क्या हमें सीन देख रहे हो, लाइक अगर आप पाकिस्तान से भी देख रहे हो, आपके भी कंट्री में अगर ये चीज़ होगा, तो खास कर अगर इंडिया की बात करो तो भाई हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मतलब मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मुझे पता है इधर क्या सीन चल रहा है। मतलब इंडिया में सबसे टॉप पे तो भाई हम ये मतलब महाराष्ट्र ही है, और ये तो बहुत ही है, ज़्यादा बहुत डेंजर ख़राब सीन सिचुएशन चल है। रहा है। और मुझे पता है जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं ना बाहर जाते हैं, और बाहर जाते भी हैं तो मास्क लगा के जाते हैं। क्योंकि ये जो एज ग्रुप है हमारा, हमें थोड़ी बहुत समझदारी है इस चीज़ की, हमें जो है क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं उसको, जानी है कि क्या करना चाहिए और सिचुएशन क्या चल रही है। लेकिन कुछ लोग होते हैं मेरे भाई जो चीज़ों को हल्के में ले लेते हैं, या फिर कह लीजिए कि कुछ उम्र वाले लोग होंगे जो इस कोरोना को पॉलिटिक्स से रिलेट करेंगे और बोलेंगे कि जनसंख्या कम करने के लिए सब किया जा रहा है। मुझे नहीं पता भाई क्यों है, क्या है, जो भी है, लेकिन हमें ये चीज़ तो पता है ना कि इसको इसके ऊपर अरे कंट्रोल कैसे किया जाएगा। गब्बर, ध्यान रखो, बस ध्यान रखो, आप अपना ध्यान रखते हो मुझे पता है, लेकिन आप सब लोग से ये बस एक मुझे नहीं रिक्वेस्ट पता। करूँगा, आप लोगों को, चलो आपके ये साथ बैठ, साथ आपके घर में जितने भी लोग हैं अरे ये बैठ है, ये उनको चलो बाहर जाने देना नहीं है। घर में किसी को भी बाहर नहीं जाने देना है, चाहे आप छोटे हो बड़े हो, आप बोलो, फोर्स करो, अगर ज़रूरत नहीं है तो उनको बाहर मत जाने दो जब तक ये जो वेव ये ख़त्म ना हो जाए एटलीस्ट। और अगर बहुत ज़रूरी काम हो तो भाई बिना मास्क के नहीं जाना। मैं देखता हूँ लोग मास्क लगाते हैं और वो नाक के नीचे रखते हैं, फ़ायदा क्या मेरे भाई? देखो मैं अभी तक इस पर बात नहीं किया हाँ था ये क्योंकि तो मुझे है। पता है हमारी जो ऑडियंस है ये पूरी की पूरी टीनेजर्स है, ये बहुत ज़्यादा अरे समझदार है, भाई और ये भी स्पेशली तो मेरी इस चैनल की जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा समझदार ऑडियंस है। चलो तो अभी तैयार ये हूँ तो मैं, मुझे पता है आप सब लोग ध्यान रखते हो, लेकिन आपके घर में भी और या मेरे फिर घर आस में पड़ोस भी में तैयार आपको हूँ कोई यार। दिखे तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि वो लोग भी अपना ध्यान रखें, बैठो क्योंकि अगर वो लोग अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो वो यार, चीज़ मैं आपके इसको ऊपर भी मेरे आएगी। घर में मारूंगा। क्योंकि ये बीमारी मेरे भाई ऐसी है, अगर आप कोई गलती भी नहीं करोगे ना उसकी अच्छा सज़ा आपको मिलेगी। अगर रिपीट करता हूँ मैं, बिना किसी गलती के आपको सज़ा मिलेगी। अगर सामने वाले को भाई कोरोना है, आओ वो एक बच्चा आध आओ, मेडिसिन लेके बाहर निकलता है कुछ चीज़ लाने के लिए, अगर एग्जाम्पल के लिए मान जी आप मान अरे लीजिए, मैं ठीक है, भी किसी आऊंगा, फैमिली में सबको कोरोना हुआ है और वो होम क्वारंटीन है, तो कुछ लोग क्या करते हैं भाई, घर में से कोई ना कोई एक सदस्य मेडिसिन वेडिसिन लेके बाहर चला जाएगा सामान वामान लाने के लिए। तो वो जब बाहर जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है उसका जो कोरोना है वो बाकी लोगों तक फैले। अरे बाप रे तो बस। बस यही बोलना चाहूँगा, आप सब लोग ध्यान रखते हो मुझे पता है, लेकिन आपके साथ साथ आप लोगों को भी अरे ध्यान रखने में मजबूर करो कि भाई नहीं, बिना मास्क के नहीं, और मास्क नीचे नहीं जाना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तो सॉरी फॉर देट कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ये चीज़ खींच ली। बात करते हैं गेम प्ले के बारे में, यहाँ पर हम आए थे और यहाँ पर हमें दो टीम मिली, ये जो हमने दो बंदे मारे ये अलग टीम के थे, दो नहीं सॉरी एक ही बंदा मारा, ये दोनों एक टीम के थे। और सामने वेयर हाउस में एक बंदा आया था बग्गी से, यहाँ पर जिसका पांच लोग टीममेट थे, घर में था, बहुत आए मतलब थे, कि राइट साइड में जो घर है
वहाँ पर उसका टीममेट था और इस बंदे को मेरे टीममेट ने मार दिया था। तो इसके पास भाई ग्रोजा थी, हम ग्रोजा उठा लेते हैं और इसका टीममेट जो है पहले पता नहीं था कि है कहाँ पे, घर में था वो तो हमें बाद में पता चला जब वो ESP हुआ। ESP होने से पहले हमें पता नहीं था, लेकिन बाद में जब पता चलता है कि वो उधर ही है, उसके फुटस्टेप भी आते हैं, ESP भी होता है, ESP हुआ ही नहीं वैसे लेकिन फुटस्टेप आ गए थे हमको। और ये कर क्या रहा था, इसकी पिंग आई थी खिड़की से कूद रहा था ये। मतलब भाई ऐसे ऐसे होता है बंदों के साथ सीन, मुझे ये चीज़ तो नहीं पता थी। और उसी के साथ साथ गाइज अपन जो है सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल अगर आप नूब हो, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल के नूब हो तो बिल्कुल खतरनाक वाले प्रो बन जाओगे। इसी पूरी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ मैं मेन चैनल के ऊपर। जिसमें मैं खुद प्रैक्टिस करके आपको बताऊंगा और रिजल्ट तो आपको आपके सामने पता चल ही जाएगा जब आप गेम प्ले में देखोगे। तो क्या क्या चीज़ों की प्रैक्टिस करनी होती है, किस चीज़ से क्या होता है, हर चीज़ जो है मैं कवर करूंगा इस पूरे सीरीज़ में। तो मेन चैनल के ऊपर अपन वो चीज़ डालेंगे। नूब टू प्रो की सीरीज़ हमने पहले स्टार्ट की थी, लेकिन जब पबजी बैन हुआ तो दो वीडियो के बाद मैंने वो चीज़ बंद कर दी, क्योंकि पबजी बैन के बाद काफ़ी ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था। तो मेरा चलो कोई दिक्कत नहीं, अब वापस पबजी आ रहा है, आप सब लोग को पता है। डेट नहीं बताऊंगा मैं, मुझे खुद नहीं कंफर्म पता है, ना ही किसी को कंफर्म पता होगी। बस 11 बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को अंदर से फीलिंग आ रही है कि 11 को पबजी डायरेक्टली आना ये मुश्किल है। हाँ ट्रेलर आ सकता है, तो देखते हैं क्या होता है, देखा जाएगा। अब भाई यहाँ पर देखो सीन क्या हुआ था। ये US वाला इतना होशियार था, ये हमें भगा के अपने टीममेट के पास लेके आया ऐसे एंगल पे ताकि उसके टीममेट को एंगल मिले। भाई साहब क्या ही दिमाग लगाया उसने। राइट साइड में जो DP वाला था वो उसका टीममेट था US वाले का, और वो जो दूसरी गाड़ी हमारे पीछे लगी थी वो एक अलग स्क्वाड था। अब उसके टीममेट ने उसको बचाने के लिए स्मोक वगैरह कर दिया था और चला गया उसको बचाने के लिए। तो अपन ने भाई ESP फेंक दिया अपना और अपन भी सीधे पुश कर देते, क्योंकि एक नॉक कर दिया, दूसरे को डैमेज दे दिया, अकेला बंदा बचा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको फिनिश करते हैं और वो जो एक US हमारे पीछे लगी थी उसको ढूंढने के लिए हम निकलते, लेकिन हमारे पास कुछ था नहीं, तो ये फटी पुरानी बड्डी बग्गी लेके हम यहाँ पर निकलते हैं। और मेरे टीममेट को लगता है नहीं, कन्फर्म था कि भाई यहाँ पर बंदे होंगे, क्योंकि भाई ये जो घर है ये जोन के अंदर था। तो यहाँ पर हम आते हैं और पहले तो मेरा ध्यान पूरा उसी की तरफ था, वो जो US अब भी गए उसकी तरफ मेरा पूरा ध्यान था, लेकिन बाद में मेरे टीममेट को यहाँ पे फुटस्टेप आता है और मेरे टीममेट की जो ESP उस पर टाइमर चल रहा था। मैं यहाँ पर ESP करता हूँ और यहाँ पर हमें जो दिखता है भाई साहब लाइक अनएक्सपेक्टेड, पूरे के पूरे चार बंदे यहाँ पर और दो स्क्वाड, मेरे भाई दो स्क्वाड के बंदे थे, एक टीम के बंदे नहीं थे, वो दो अलग अलग टीम्स थी और दो बंदे छत के ऊपर थे, बिल्कुल है ना, टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करके चढ़े थे, और दो बंदे थर्ड फ्लोर पे थे, तो इसलिए हमको नेड करने में भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क थी, क्योंकि भाई चार बंदे पूरे अगर नेड करने जाओ नॉक कर देगा। लेकिन यहाँ पर सीन क्या होता है, हम थर्ड फ्लोर पे दोनों नेड करते हैं, मेरा टीममेट और मैं, तो मेरे टीममेट ने एक नॉक किया और दूसरे को मैं फिनिश कर देता हूँ मेरे नेड से, तो जो नॉक हुआ तो वो भी फिनिश हो जाता है। छत वालों को भाई कुछ हो ही नहीं रहा था, मतलब हमने सब ट्राई कर लिया, तो मैंने दिमाग लगाया, उनकी पेटी हम लूट के आ गए और मैं दिमाग लगाया कि भाई दूर जाते और एकदम दूर जाके ग्रेनेड करते, क्योंकि उनके पास भाई हाइट का एडवांटेज है, तो अपन थोड़ा दूर जाएंगे तो अपने को भी एडवांटेज होगा किसी न किसी चीज़ का। दूर जाके यहाँ पर नेड करता हूँ और पहले ही नेड बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, और दूसरे नेड में ये देखो खत्म, टाटा बाय बाय सब एक साथ हो गया। उसी के साथ साथ ये टीम भी फिनिश हो जाती है और लेफ्ट से जो है फायर आया था और यहाँ पर जोन जो है हमारे पास था नहीं, हमें जोन में जाना था, प्लस सामने जो US गई थी वो एक टीम थी, मतलब बंदे ही बंदे हैं और हमारे बहुत गंदे वाले लगने वाले, और ऑलमोस्ट लग ही गए थे। ये देखो गाड़ी निकाली और भाई बंदों ने जो स्प्रे दिया है, लाइक मुझे फीलिंग आ रही थी भाई दो चार गोली अगर मेरे को पड़ी तो यहाँ पर नॉक फिनिश सब कुछ दोनों हो जाएंगे, क्योंकि हेल्थ देखो हमारी दोनों की, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि बच गए। अब भाई यहाँ पर लेफ्ट में बंदे थे इसलिए मैं स्मोक कर दिया, राइट में बंदा था, प्लस हम जोन में नहीं थे, हमें करना क्या था, हमें जाना था गाड़ी लेके आगे और गाड़ी को कवर में लगा के गाड़ी फोड़नी थी, लेकिन उससे पहले बंदा हमारी गाड़ी फोड़ देता है, हमें चांस नहीं मिलता कि हम हमारी गाड़ी का कवर बना ले।
तो हमें भी हमारी गाड़ी फोड़नी पड़ती है। अब जिसने हमारी गाड़ी ख़राब की थी हम उसको फिनिश कर देते हैं, और जल्दी से जल्दी हमें जोन में जाना था इसलिए हम आगे चलते थोड़ा सा रिस्क उठा के। लेकिन उससे पहले जिसको मैं नॉक करता हूँ उसका किल कोई और चुरा लेता है, और अब जो दो बंदे बचे वो अलग अलग टीम के हैं। और यहाँ पर देखो इसको बहुत ही ज़्यादा लिटरली बहुत गंदा डैमेज दिया हमें, और बंदे ने जोन के बाहर एंटर किया होगा और एंटर करते ही वो फिनिश हो गया, और सामने वाला बंदा जोन के बाहर से स्प्रे दे रहा था तो दोनों की दोनों जोन के बाहर ही मर गए। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। उसी के साथ यार जो चीज़ मैंने बोली है ध्यान रखना सिर्फ अपना नहीं अपनों का भी। उसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ मेरे भाई आपने अभी तक डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फटाक से आ जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए साइन।